पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महानगर और जिला इकाई के मोर्चों और मंडल मीडिया प्रभारियों की कार्यशाला रविवार को दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में संपन्न हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि ईमानदार सोच और दमदार नेतृत्व को जन जन तक पहुंचाना भाजपा मीडिया विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने मीडिया प्रभारियों को चुनावी मंत्र दिया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास और जन कल्याण के काम बार बार जनता को याद दिलाएं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने आगे कहा कि पार्टी की मीडिया टीम में जगह बनाकर जिले का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय फलक पर जा सकते हैं, इसीलिए राजनीति में आगे बढ़ने का ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारमण इसके उदाहरण हैं। ये सभी पार्टी की मीडिया टीम से जुड़े रहे और शीर्ष पर पहुंचे। हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि मीडिया में दिया गया एक भी गलत बयान पार्टी को तो नुकसान पहुंचाता ही है, आपको भी अर्श से फर्श पर ला देता है। उन्होंने मुरादाबाद महानगर जिला के मंडलों और मोर्चों के मीडिया प्रभारियों को टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के अलावा तमाम दूसरे माध्यमों का प्रयोग पार्टी हित में करने का आह्वान किया। क्या उनको एक साल हुआ है, दो साल हुआ है, तो इन सबके बारे में भाई साहब आपको विस्तार से बताएंगे। आपको किस तरह से अपनी बात रखनी है, आपको कैसे अपना कहीं प्रेस नोट भेजना है, बात रखनी है, प्रेस नोट भेजना, मीडिया कर्मियों से मिलना है, संपर्क बढ़ाना है, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम जो काम करते हैं वो नहीं दिखाई देगा तो कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद जिला और महानगर इकाई के जितने भी मंडल हैं उन मंडल के मीडिया प्रभारियों की कार्यशाला है, जिसमें हम जो अपने जिला के मीडिया प्रभारी हैं, महानगर के मीडिया प्रभारी हैं और जितने मंडलों के मीडिया प्रभारी हैं उनके साथ बैठ करके आपस में चर्चा करेंगे। 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उस दृष्टि से हमारा मीडिया विभाग बहुत ऊर्जावान ढंग से, बहुत स्वतः स्फूर्त ढंग से काम कर सके और जो समाचार पत्र हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, पोर्टल हो, इन सब के साथ वो किस तरह से जो सरकार की हमारी उपलब्धियां हैं, आदरणीय योगी जी की सरकार की 4.5 साल की और जो भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी नेतृत्व की जो नीतियाँ और कार्यक्रम हैं उनको आप तक और आपके माध्यम से जन जन तक कैसे प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके, इसको लेकर के आज हम अपने मीडिया के मित्रों के साथ यहां चर्चा करेंगे। अच्छा, जो 2022 का इलेक्शन होगा उसमें डिजिटल जो मीडिया रहेगी उसका क्या अहम रोल रहने वाला है, इसके अलावा और जो मीडिया है कि 2014 के बाद से देखा जाए कितना परिवर्तन रहा? देखिए, 21वीं शताब्दी सूचना क्रांति की शताब्दी है, जहाँ एंड्रॉयड फोन के रूप में सभी जो लोग हैं, सभी जो नागरिक हैं उनके पास वो स्वतः में अपने आप में पत्रकार हैं। आज एक गांव देहात की भी छोटी सी खबर दुनिया के कैनवास पे चली जाती है। यदि कोई बहुत अहम खबर है, कोई किसान बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई बहुत अच्छी फलों की खेती कर रहा है, कोई जल को लेकर के, पर्यावरण को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है, शिक्षा को लेकर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा, रचनात्मक काम कर रहा, तो आज वो बहुत ही जल्दी, जब तक वो अखबार में छपेगा उससे पहले वो पूरी दुनिया के कैनवास में चला जाता है। तो मीडिया का मतलब है माध्यम, जनता की बात व्यवस्था तक, सिस्टम तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और सरकार की बात जनता तक पहुंचे। इसमें जितने भी डिजिटल है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया, ये सब इसके माध्यम है। तो ये चूंकि सूचना क्रांति की शताब्दी है तो निश्चित रूप से सभी जो इस तरह के जो मीडिया क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो अहम है। निश्चित रूप से मान लिया जाए कि 2014 में जो भाजपा क्रांति लेकर आई थी डिजिटल मीडिया की, उसके बाद में 2022 में भी अहम भूमिका निभाएगा डिजिटल मीडिया और ज्यादा भरोसा करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी मीडिया के जितने माध्यम हैं सब पे पूरा सम्मान करती है, सब पे पूरा भरोसा करती है और भारतीय हमारे यशस्वी नेतृत्व का कुल एक लक्ष्य है, एक मकसद है कि
जो व्यवस्था है वो ट्रांसपेरेंट हो, और डिजिटल जो माध्यम है इसके माध्यम से बहुत द्रुत गति से सूचना का आदान प्रदान होता है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि आसाम में कहीं एक पुल की समस्या थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको किसी उस पर देखा और कलेक्टर को रात को बात करके और उसको, तो यह माध्यम ऐसा है कि मैंने जैसा कहा कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं छोटा बड़ा अच्छा आप कर रहे हैं तो वह त्वरित रूप से वो लोगों के जानकारी में आता है, लोगों के संज्ञान में आता है और शासन सत्ता के संज्ञान में आता है, तो उस पर त्वरित कार्यवाही भी होती है। इस दृष्टि से ये बहुत अहम भूमिका इसकी है, जन जन तक सबकी बात पहुंचती है और जन जन तक की बात सत्ता और सरकार तक। 2022 का इलेक्शन है, किस तरह की तैयारी रहेगी आपकी और क्या चेंजेस इस बार जो आपके द्वारा किए जाएंगे क्या रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व का संकल्प है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, विकास सबका तुष्टिकरण किसी का नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के का जो नेतृत्व है आदरणीय मोदी जी के रूप में और आदरणीय योगी जी के रूप में, वह ईमानदार सोच का एक दमदार नेतृत्व है जिसने अपने अहर्निश परिश्रम से और जनता के प्रति एक अहर्निश परिश्रम और प्रतिबद्धता के साथ जिस तरह से काम किया है और वह आम आदमी उसको महसूस करता है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सम्मानित जनता और देश की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी पर अटूट भरोसा और विश्वास रखती है। और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उनका जो जिस तरह से क्रियान्वयन हुआ है, किसानों को ले लीजिए, युवाओं का ले लीजिए, महिलाओं का सशक्तिकरण ले लीजिए, पिछड़े हों, गरीब हों, दलित हों, सबके लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लेकर के सरकार आई और उनका जिस तरह से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वो रोड कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी की बात हो, जिस तरह से एयरपोर्ट्स के निर्माण हो रहे हैं, जिस तरह से मेट्रोज के निर्माण हो रहे हैं, तो आधारभूत संरचनाओं को जिस तरह से योगी सरकार ने बहुत मजबूत देने का काम किया है, और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर ला करके और औद्योगिक निवेश के लिए औद्योगिक निवेश समिट करके जो कार्य किया वो अपने आप में अद्भुत है और ऐतिहासिक है। ये सब हमारी जो सरकार के काम है और जो हमारा जो यशस्वी नेतृत्व है, इसको लेकर के हम उत्तर प्रदेश सम्मानित जनता के बीच पुनः जाएंगे, और हम पूरा भरोसा करते हैं कि जब भी 2022 का चुनाव का परिणाम आएगा पूरे उत्तर प्रदेश में कमल ही कमल खेलने वाला है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।